हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ PWN Gaming YT। तो ब्रो, आप लोगों को मैं आज बतलाऊंगा कि मैं स्ट्रीम कैसे करता हूँ विदाउट एनी गेमिंग पीसी, गेमिंग लैपटॉप, बस एक मोबाइल, मतलब आईफोन से ही केवल मैं स्ट्रीम कैसे करता हूँ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे कि आप सब यहाँ पे देख पा रहे हो, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है, उसके ऊपर में जो स्ट्रीम चैम्प है, ये वाला स्ट्रीम चैम, इसके थ्रू मैं स्ट्रीम कैसे करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको ये ऐप स्टोर पे, आप जिनके पास आईफोन है उनको पता है, ऐप स्टोर पे जाके आपको ये स्ट्रीम चैम्प आप सॉफ्टवेयर सर्च करना होगा, उसके बाद में फिर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसको, मतलब डाउनलोड करने के बाद जैसे इसको ओपन करोगे ना, तो हो सकता है आपको ना एक ट्विच अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा। तो फिर आप उसमें ट्विच अकाउंट डालना और अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल देना। उसके बाद में फिर इसमें, इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। ओके, इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद में इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करना नहीं है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, बस एक ही चीज़ चेंज करना है इसमें। ओके, एक चीज़ चेंज करना है, वो सबसे पहले आपको ये जो ऊपर में ट्रिपल डॉट्स दिख रहा है ना, ये, अरे थ्री डॉटेड, ये थ्री डॉटेड, वहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको आप अपना चैनल सेटिंग्स वगैरह करना है। यहाँ पे मैंने पबजी मोबाइल कर दिया है, टाइटल्स पे, फिर कैटेगरी में यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अरे ये ब्लर क्यों हो जा रहा है ब्रो, ब्लर क्यों हो जा रहा है? हाँ अब ठीक है ना, अब ठीक है ना ब्रो। हाँ, उसके बाद में फिर ये जो पबजी मोबाइल टाइटल में पबजी मोबाइल डाल दिया, अपना जो मर्जी सो आप डाल सकते हो, पबजी मोबाइल, फिर यहाँ पे नहीं, टाइटल पे आप पबजी मोबाइल ही आपको डालना होगा। फिर अगर पबजी खेलते हो तो फिर यहाँ पे वैसे अपना मर्जी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कैटेगरी मोबाइल, पबजी मोबाइल, फिर यहाँ पे, अरे फिर से ब्लर हो रहा है। ब्रॉडकास्ट आप किस में करते हो, कौन सा लैंग्वेज में करते हो, ये आप अपने मर्जी से आप कर सकते हो। इसके बाद में फिर अपडेट दबा देना। उसके बाद में फिर सबसे मेन सेटिंग, इसी में थ्री डॉट्स पे जाना। थ्री डॉट्स में जाने के बाद, थ्री डॉट्स पे जाने के बाद इसमें क्या होगा कि ये जो है ना इन गेस्ट, इसमें यही है, मतलब ये जो ऊपर में जो दिख रहा है ना, ऊपर में ये बंदा वाला, फिर मेरा नाम PWN, मतलब पवन उरांव जो दिख रहा है, ये ट्विच अकाउंट है, ये ट्विच अकाउंट दिख रहा है। उसके बाद में फिर ट्विच अकाउंट बन गया है मेरा। उसके बाद में फिर इसमें लॉगिन हो गया है। स्ट्रीम चैम्प पे लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे स्ट्रीम नोटिफिकेशन है, स्ट्रीम नोटिफिकेशन के बाद यहाँ पे इन गेस्ट है। इन गेस्ट पे आपको क्या सेटिंग करना है, बस स्ट्रीम चैम्प में ना एक ही चीज़ सेटिंग करने के लिए, एक ही चीज़, बस एक ही चीज़ सेटिंग करना है, वो यही है, मेन मेन यहीं पे है। इसको अपन क्लिक करते हैं। ओके, ब्लर नहीं ना हो रहा है। ओके, मैंने इसको क्लिक कर दिया। उसके बाद में फिर यहाँ पे इतना सारा इंटरफेस आया, ये वाला सब इंटरफेस। ओके, आप सबको अगर आप सब देख पा रहे होगे तो दिख रहा होगा, वैसे कभी कभी ब्लर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, काम हो जाएगा, काम चल जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे करना क्या है, जैसे कि मेरा दो चैनल है, मैं फ्री फायर भी खेलता हूँ और पबजी भी खेलता हूँ। तो मैं पबजी वाला ऊपर में जो दिख रहा है टिक मार्क, ये जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लाइव स्ट्रीम PWN Gaming YT है, फिर नीचे में फ्री फायर लाइव स्ट्रीम PWN Gaming YT 2.0 है, तो फिर 2.0 नहीं है, FF है चैनल का नाम, तो फिर मैंने ये ऐसे ही डाल दिया। तो फिर ये सब सेटिंग कैसे होगा, आपको कॉर्नर पे यहाँ पे एड इन्फो दिख रहा है क्या? हाँ, एड इन्फो दिख रहा होगा, तो आपको एड इन्फो पे क्लिक करना है। ओके, एड इन्फो पे आप क्लिक कर दिए। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, जो मैंने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो मैंने लिखा था, वैसे ही आप यहाँ टाइटल पे आप अपना कुछ भी नाम डाल सकते हो, कुछ भी नाम डाल सकते हो। मैंने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो डाला है, वैसे ही आप कुछ भी डाल सकते हो। फिर यहाँ पे जो सर्वर URL है ना, सर्वर URL, यहाँ पे लगेगा आपका स्ट्रीम URL। जैसे आप चैनल पे जाओगे, स्ट्रीम बटन को दबाओगे, लाइव बटन को दबाओगे, लाइव जो रहता है उसमें आप जाओगे, तो वहाँ वहीं पे मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। मतलब लाइव जाओगे अपना चैनल में, यूट्यूब का चैनल पे लाइव बटन को दबाओगे, तो लाइव सेटअप कैसे खुलेगा वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। लाइव सेटअप इस तरह से दिखेगा। ओके, इस तरफ से दिखेगा। तो यहाँ कॉर्नर पे नीचे स्ट्रीम सेटिंग्स है, यहीं पे आपको दिखेगा ये सब, स्ट्रीम, स्ट्रीम URL और स्ट्रीम की,
तो आप लोगों को अपना स्ट्रीम यूआरएल डालना है यहाँ पे, और दूसरा चीज़ स्ट्रीम की या फिर सर्वर की यहाँ पे आपको डाल देनी है। फिर ये आप सही सलामत अगर आप डाल दिए, उसके बाद में हो गया काम काम ख़त्म। फिर यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, आप ये दबा दो। उसके बाद मेरा तो हो चुका है, तो मैंने ये सब हो गया है। उसके बाद में हो गया, उसके बाद में बैक जाके यहाँ पे जितना भी नीचे ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ नीछे जितना भी ऑप्शन आ रहा है, ये सब कुछ छेड़छाड़ मत करना, ये सब छेड़छाड़ मत करना, ये सब बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत करना, ये सब बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत करना। फिर डन हो गया। डन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको हेडफोन डाल लेना है नीचे से, मोबाइल का नीचे से हेडफोन जो रहता है घुसेड़ देना, मतलब डाल देना। फिर डालने के बाद वो हेडफोन को हटाना मत, वो हेडफोन को हटाना मत। फिर इसको जो जैसे आप स्विच ऑफ करते हैं फ़ोन को, स्विच ऑफ करना, फिर स्विच ऑन करना। उसके बाद में फिर स्विच ऑन ऑफ कर लोगे। फिर स्विच ऑन ऑफ करने के बाद स्ट्रीम चैम्प नया से ओपन करोगे। ओपन करने के बाद ये हो गया, इसको मिनिमाइज़ कर लो। फिर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ओपन करो। हाँ, ये ओपन हो गया। उसके बाद में फिर इसको भी मिनिमाइज़ कर लो। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे जाओ। यहाँ पे जाने के बाद मिनिमाइज़ हो गया। फिर यहाँ पे नीचे पे दिख रहा है ये राउंड वाला ब्रॉडकास्ट स्क्रीन। हाँ, यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये जो माइक है, माइक माइक को क्लिक करो। अरे, यहाँ पे माइक क्लिक करो, ये रेड हो गया। रेड होने के बाद फिर ऊपर में ये जो दिख रहा है ना स्टार्ट ब्रॉडकास्ट, आप ये बटन दबा दोगे। बटन दबाने के बाद ऊपर में यहाँ पे 1 2 3 करके स्टार्ट होगा। उसके बाद में आप इसको मिनिमाइज़ करना। मिनिमाइज़ करने के बाद आप ये कर देना। हाँ, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये आने के बाद मैं आपको बताता हूँ आपका स्ट्रीमिंग जो कंट्रोल है, कंट्रोल यहाँ पे आपका ये जो बटन है ना, ये जो गोल सा दिख रहा है, ये आपका रेड हो जाएगा। अरे, मेरा स्लीप मोड में चला गया। ये रेड हो जाएगा आपका, मैं रेड नहीं होगा, ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद ये जो छोटा सा स्क्रीन है, ये छोटा सा स्क्रीन में आपका मोबाइल का जो पबजी खेलते हो वो दिखने लगेगा, यहाँ पे दिखने लगेगा। फिर आपका जो भी सेटिंग्स वगैरह है यहाँ पे, यहाँ से अपन ये करते हैं एडिट, एडिट में जाते हैं। एडिट में जाने के बाद ये सब खुलता है। यहाँ पे अपन टाइटल डालते हैं। टाइटल डालने के बाद यहाँ पे अपन डिस्क्रिप्शंस डालते हैं। डिस्क्रिप्शंस अरे डिस्क्रिप्शन डालने के बाद यहाँ पे अपन थंबनेल डालते हैं। सॉरी। फिर यहाँ पे अपन प्लेलिस्ट जो भी है वो डालते हैं। फिर क्या क्या और भी दिस डैट है यहाँ पे, टैग वैग डालते हैं। फिर यहाँ पे दिस डैट है, ये सब डाल लो, जो भी डालना है आप सेटिंग वगैरह कर लो। फिर नीचे यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, तो फिर वहाँ पे आप सेव कर लो। हाँ, अपन को तो सेव वेब नहीं करना है, अपन को सेव वेब नहीं करना है, बस हो गया। उसके बाद में मतलब ये स्ट्रीम स्टार्ट होने से पहले ये सब सेटिंग वेटिंग करना। और उसके बाद में सेटिंग वेटिंग होने के बाद बस चालू, बस हो गया चालू। उसके बाद में फिर ईयरफोन जब मतलब सेटिंग, पता है ये जो है, एक मिनट मिनिमाइज़ करता हूँ, ये जो है ना स्ट्रीम चैम्प, बस एक ही बार सेटिंग मांगता है। एक बार, बस एक बार सेटिंग हो गया, उसके बाद में फिर दोबारा सेटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार हो गया, फिर दोबारा सेटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर दोबारा आप जब भी स्ट्रीम करना चाहोगे तो आपको, जब भी स्ट्रीम करना चाहोगे तो सबसे पहले आपको एक ही चीज़ करना होगा कि आप पहले नीचे से हेडफोन डाल लो, नीचे से या फिर दायां बायां कहीं से भी आपका होगा, आप पहले हेडफोन डालो, फिर मोबाइल को रीस्टार्ट करो। फिर रीस्टार्ट करने के बाद ये जो भी है आपका स्ट्रीम चैम्प, इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे बस यहाँ से आप ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर दो। माइक ऑन करो, फिर स्टार्ट ब्रॉडकास्ट करो। उसके बाद में इसको मिनिमाइज़ करो, गेम आपका बैकग्राउंड में ऑन ही रहेगा। आप क्लिक करो, फिर आपका यहाँ पे ये ग्रीन, 4 5 सेकेंड, 4 5 भी बहुत बोल दिए, 2 3 सेकेंड के बाद ये ग्रीन हो जाता है। ग्रीन होने के बाद आपका स्ट्रीम चालू। बस अपन का यही सीन है, अपन ऐसे ही करते हैं स्ट्रीम। अगर और भी कुछ जानना है, और हाँ, और कुछ कुछ रहता है इसमें, और कुछ कुछ कांड करना रहता है,
मतलब अपना मर्जी, ये जो है ना ओवर लेयर, ओवर लेयर अपन जो डालें सॉरी अपन जो डालें इसमें, आप ये भी कैसे बनाना है या फिर कैसे बनाते हैं, कैसे डालते हैं, मतलब इसके अंदर और कुछ कुछ सेटिंग्स वगैरह अपने मर्जी से करना चाहते हैं तो कर सकते हो, लेकिन मैंने जितना बताया ना जो इम्पोर्टेंट है, स्ट्रीम यूआरएल और मतलब सर्वर यूआरएल और सर्वर की, सर्वर यूआरएल बस कुछ भी बतिया बराबर है दोनों, तो फिर आप दोनों कुछ भी डाल सकते हो, दोनों में अच्छा से डालना, उसके बाद में फिर वो स्ट्रीम स्टार्ट, ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिर और भी कुछ जानना चाहते हो ना तो कमेंट करके बतलाना, और अपन डेली स्ट्रीम पे आते हैं, आप डेली आप हमसे पूछ सकते हो, और बाकी अगर आप नए हो तो फिर सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर कर देना ब्रदर, क्योंकि अपन का छोटा सा YT फैमिली है, उनको बड़ा करना है ना। तो फिर बाय बाय, लव यू ब्रदर, बाय बाय, सी यू।